उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित बरसाना ब्रज के 84 कोस में बसा एक धार्मिक और पवित्र स्थल है। हर साल यहाँ पर कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण की रासलीला और यहाँ की बरसाना होली का आनंद उठाने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। बरसाना की लठामार होली देश विदेश में प्रख्यात है। यह ऐसी होली है जिसमें पुरुष महिलाओं को रंग लगाते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से लाठी से पीटती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। लठामार होली के समय मंदिर के प्रशासन की तरफ से गुलाल के साथ साथ मिठाइयों को भी फेंका जाता है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बरसाना भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म स्थान भी है, जो वृंदावन से सटा हुआ है। बरसाना में द्वापर युग के कई सारी रहस्यमयी मंदिर हैं। राधा रानी मंदिर और भगवान कृष्ण राधा के संग और अन्य गोपियों के संग की रासलीला की झलक भी यहां पर पर्यटकों को चारों तरफ से देखने को मिलती है। यदि भगवान श्री कृष्ण के नटखटपन और उनकी रासलीला की झांकियां देखने बरसाना जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए इस वीडियो में बरसाना के दर्शनीय स्थल, बरसाना में घूमने की जगह, बरसाना के प्रसिद्ध मंदिर, बरसाना कैसे पहुँचें आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में, और हम और आप आज मिलकर जानेंगे बरसाना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी बरसाना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की धार्मिक वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप उनका आनंद लेते रहें। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वृंदावन के दर्शनीय स्थल के बारे में सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से डाली थी। तो अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके वह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वृंदावन के करीब 19 मंदिरों के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बरसाना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, बरसाना और वृंदावन एक दूसरे से सटा हुआ है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ, वहीं बरसाना में माँ लक्ष्मी की साक्षात रूप राधा रानी का जन्म हुआ था। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण अक्सर अपने ग्वाल सखाओं के साथ में बरसाना में राधा रानी और उनकी सखियों से मिलने के लिए जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का बचपन इन्हीं दो गांवों के बीच में बीता है। बरसाना के बीचों बीच एक पहाड़ की चोटी पर राधा रानी का मंदिर है। बरसाना में राधा रानी की माँ कीर्ति का भी मंदिर बनाया गया है। बरसाना में भगवान श्री कृष्ण की कई चंचल और नटखट कृतियों की झांकियां दिखाई गई हैं। यहां पर राधा रानी के साथ उनकी कई रासलीलाओं को भी दिखाया गया है। बरसाना में बांके बिहारी कीर्ति मंदिर, मान मंदिर, मोरकुटी, चित्र सखी मंदिर, ललिता मंदिर, नंदगांव का मंदिर, भोजन थाली मंदिर, दो मिलवा मंदिर जैसी कई सारी ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिर हैं। बरसाना की लठामार होली विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए बात करते हैं पहले मंदिर की। मित्रों, जब भी आपका बरसाना आना हो तो जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में आप ये मंदिर देखेंगे, इन मंदिरों में एक बार होकर अवश्य आए, जिससे आपको महसूस होगा कि जो वीडियो हमने देखी थी वह सार्थक हुई देखना। तो चलिए, पहला मंदिर है अपना राधा कृष्ण बाग। बरसाना में राधा मंदिर के दर्शन के बाद कुछ ही दूर पर राधा कृष्ण बाग है। यह बाग पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि प्रकृति के सुंदर वातावरण के बीच बसे इस बाग में भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे हैं, जिनमें से कुछ पेड़ लगभग आज से 5000 साल पुराने यानी कि द्वापर युग के समय के माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर बैठे हुए थे, तब धूप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दो वृक्षों को उत्पन्न किया था, और वही वृक्ष आज भी मौजूद है। दूसरा मंदिर है राधा रानी मंदिर। बरसाना का राधा रानी मंदिर बरसाना के मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान रखता है।
हालांकि यहां पर अन्य कई सारे धार्मिक स्थल हैं और पर्यटन स्थल हैं, लेकिन राधा रानी का मंदिर बहुत लोकप्रिय है। यह मंदिर बरसाने के बीचों बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा 5000 साल पहले स्थापित किया गया था। हालांकि इसके बाद यह मंदिर खंडर में बदल गया था, लेकिन नारायण भट्ट द्वारा इस मंदिर को खोजने के बाद राजा वीर सिंह द्वारा सन 1675 ईस्वी में मंदिर को दोबारा बनवाया गया। हालांकि वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से करवाया था, जो मुगल राजा अकबर के दरबार के राज्यपाल थे। सफ़ेद और लाल पत्थरों के इस्तेमाल से बनवाया गया यह मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था और इस दिन बरसाना के इस राधा रानी के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। बरसाना के धार्मिक स्थलों में यह स्थान प्रमुख आकर्षण है। तीसरा आता है रतन कुंड श्यामशिला। बरसाने में कुछ ही दूर पर स्थित है रतन कुंड श्यामशिला। बरसाना का खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आज भी वह शिला मौजूद है जहाँ पर वे बैठकर बंसी बजाया करते थे और उस बंसी की मधुर धुन सुनने के लिए पशु पक्षी जीव जंतु सभी उनके पास दौड़े चले आते थे। इसी शिला के पास में रतन कुंड है। कहा जाता है कि इस जगह पर राधा रानी ने मोती बोए थे, जिसके कारण आज भी यहाँ पर मोतियों का पेड़ से भरे जंगल पाए जाते हैं। मोतियों के पेड़ एक तरह से पेड़ू के पेड़ की एक प्रजाति होती है, जिसके फल मोती के समान ही दिखने लगते हैं। आगे आता है ललता सखी मंदिर बरसाना। ललता सखी मंदिर राधा रानी की सखी का मंदिर है। राधा रानी की 8 सखियां उनकी सबसे प्रिय सखी थी और उसके बिना ब्रजमंडल की लीला अधूरी थी। उनके सखियों में ललता राधा रानी से 2 दिन बड़ी थी। इस मंदिर को बरसाने में स्थित ऊंचा गांव में निर्मित किया गया है। ललिता राधा रानी की ज्येष्ठ सखी होने के कारण यहां पर उनके जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बरसाने जाने वाले दर्शनार्थी इस मंदिर का दर्शन करने जरूर आते हैं। अगले मंदिर पर चलते हैं, श्री राधा कुशल बिहारी मंदिर। बरसाने में राधा रानी मंदिर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर हरे भरे पेड़ पौधों के बीच श्री राधा कुशल बिहारी मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपनी प्राचीन शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की वास्तुकला काफ़ी हद तक राजस्थानी किलों से मिलती जुलती है। मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के महाराज सवाई माधव सिंह के द्वारा कराया गया था। मंदिर के निर्माण में तकरीबन 14 साल का समय लगा था। मंदिर के सामने का हिस्सा बादामी रंग का है। इस मंदिर के पास में एक छोटा सा मंदिर और है, जिस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा के काले रंग के पत्थर और मिश्र धातु से बनी मूर्तियां स्थापित हैं। अगले मंदिर पर चलते हैं, प्रिया कुंड। ब्रज की धरती पर कदम कदम पर राधा और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए स्थान हैं, जिसमें से एक है पीली पोखर। कहा जाता है इस स्थान पर एक बार राधा रानी विवाह के समय भगवान श्री कृष्ण के नाम की मेहंदी से भरे हुए हाथ को धोने के लिए आई थी और यहाँ पर उन्होंने अपने हाथ से ही जल की धारा उत्पन्न की थी। उसी जल की धारा से इस जलाशय का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि आज भी इस जलाशय का पानी मेहंदी के रंग की तरह दिखता है। यहाँ तक कि इस जलाशय के पानी को खाली भी करवाया गया, लेकिन दोबारा यह जलाशय मेहंदी के रंग से भरा हुआ ही आया था। यह जलाशय 40 फीट गहरा है और बरसाना का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल भी है। अगले मंदिर पर चलते हैं, दान बिहारी मंदिर। बरसाना में स्थित विभिन्न मंदिरों में से एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है दान बिहारी मंदिर। यह मंदिर बरसाना का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो तकरीबन 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा भी है
कि इस स्थान पर एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने का संघर्ष कर रहा था। वह अपने दुख में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है। भगवान श्री कृष्ण उसके दर्द से प्रभावित होते हैं और फिर राधा रानी के वजन जितना सोना उस गरीब ब्राह्मण को उपहार स्वरूप देते हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम दान बिहारी मंदिर पड़ा है। नेक्स्ट है फिसलनी शिला। बरसाना में स्थित फिसलनी शिला बरसाना का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जो बरसाने से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाले सखा पहाड़ की ढलनी चट्टानों पर फिसला करते थे और आज भी उसका निशान वहां पर बना हुआ है। अगला है मान मंदिर बरसाना। मान मंदिर बरसाना स्थित गुफा के अंदर बना एक मंदिर है। यह बरसाना का खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। इस जगह को लेकर एक प्रसिद्ध किंवदंती इस प्रकार है कि एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि वह कैसी लग रही हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को चंद्रमा के समान सुंदर बताते हैं, लेकिन राधा रानी कहती हैं कि चंद्रमा में तो दाग होता है, और इस बात से रूठकर वो यहाँ आकर एक गुफा में बैठ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए प्रेम स्वरूप उनके चरणों में बैठ जाते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम मान मंदिर पड़ा है। इस मंदिर के गुफा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अन्य प्रेम को दर्शाती कई शिला के दर्शन भी आप कर सकते हैं। अगला मंदिर है भोजन थाली मंदिर। बरसाना में तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति के सौंदर्य वातावरण के बीच स्थित यह जगह बरसाना के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से है। इस जगह को लेकर एक रोचक तथ्य यह है कि इस स्थान पर जब भगवान श्री कृष्ण चोरी से दूध पी रहे थे तो उनके हाथों से दूध का कटोरा नीचे गिर जाता है, जिससे दूध की धारा पहाड़ के ढलान से नीचे की तरफ बहती है, और आज भी इस विशाल चट्टान पर दूध की धारा का निशान आपको देखने को मिलेगा। अगला मंदिर है दोउमिलवन। दोउमिलवन बरसाना में कुछ ही दूरी पर स्थित एक और खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि इस स्थान पर बाल समय में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पहली बार मिले थे। अगले मंदिर पर चलते हैं कीर्ति मंदिर। बरसाना में रंगीली महल के करीब स्थित प्रसिद्ध कीर्ति मंदिर को अद्भुत कलाकृतियों से आकर्षक बनाया गया है। यह मंदिर राधा रानी की माँ जिनका नाम कीर्ति था उनको समर्पित है। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर राधा रानी की मूर्ति को उनकी माँ की गोद में बिठाया हुआ प्रदर्शित किया गया है। मंदिर के सामने एक गार्डन भी है जहाँ पर दर्शनीय कुछ समय बैठकर आराम कर सकते हैं। अगला मंदिर आता है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अटूट प्रेम का एक साक्षी स्थान है। यह सरोवर नंदगांव और बरसाना के मध्य स्थित है। कहा जाता है कि इस जगह पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे से मिलने आया करते थे। इस जगह को लेकर एक किंवदंती इस प्रकार है कि एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से यहाँ मिलने आती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। तब राधा जी वियोग में आंसू बहाती हैं और उसी आंसू से इस सरोवर का निर्माण होता है। अगला मंदिर आता है चित्रा सखी मंदिर। चित्रा सखी मंदिर माँ राधा रानी के एक सखी का मंदिर है, जो बरसाना के चिकसौली गांव में स्थित है। कहा जाता है राधा रानी की यह सखी चित्रकला प्रेमी थी, जिन्होंने सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का चित्र बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राधा रानी के भाई माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर मांगते हैं। तब माँ यशोदा चित्रा को बुलवाकर भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर छवि बनाने के लिए कहती हैं। उसके बदले में वह चित्रा को मनचाही चीज़ देने का वचन देती हैं। छवि बनने के बाद चित्रा माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण को उन्हें दे देने की इच्छा मांगती है। वचनबद्ध यशोदा माँ इस बात को सहन नहीं कर पाती कि अपने लाडले कन्हैया को किसी और को कैसे दे दूँ।
जिसके कारण माँ यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण चित्रा को माँ यशोदा के वचन वापस लौटाने के लिए आग्रह करते हैं और एक रूप में चित्रा के कुंज में निवास करने का वचन देते हैं। इस कारण यह मंदिर बरसाना जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए काफ़ी महत्व रखता है। चित्रा सखी मंदिर में राधे श्याम की सेविका के रूप में चित्र सखी को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर एक सुंदर बगीचा भी है जहाँ पर दर्शनार्थी प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण के बीच विश्राम कर सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगला मंदिर आता है सांखरी खोर। यह सांखरी खोर ब्रह्मगिरी पर्वत और बिलास पर्वत के बीच में है। इस मार्ग से गोपियां नियमित रूप से अपने दूध उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए जाती थीं। इस दौरान यहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं की टोली गोपियों को इस मार्ग से जाने के बदले में उनसे दूध दही और माखन की मांग करती थी। गोपियों को उनकी मांग के अनुसार दूध दही मक्खन देने के बाद ही गोपियों को जाने देती थी, क्योंकि बाजार जाने के लिए यह एकमात्र मार्ग था जिसके कारण गोपियों को उन्हें दूध दही देना ही पड़ता था। और यदि गोपियां दूध दही या मक्खन नहीं देती थीं तो गोपियों के मटके को फोड़ देते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ सखाओं के नटखट कृतियों की झांकियां सांखरी खोर में प्रदर्शित की गई हैं। तो मित्रों, ये थे कुछ बरसाना के फेमस मंदिर, जहां आप जब भी बरसाना आएँ तो एक बार होकर के अवश्य आएँ, तो आपको इन मंदिरों में दर्शन करके बड़े आनंद की अनुभूति होगी। बाकी अब बात करते हैं यहाँ के स्थानीय भोजन की। तो बरसाना सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। ऐसे में यहाँ रेस्टोरेंट, ढाबे और स्टॉल की कमी नहीं है। यहाँ पर पर्यटकों को उत्तर भारत के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। हालांकि यह एक धार्मिक स्थान होने के कारण यहाँ पर केवल शाकाहारी भोजन ही परोसे जाते हैं, लेकिन भोजन का स्वाद लाजवाब होता है। बरसाना के पर्यटकों के बीच कुछ ऐसे लोकप्रिय व्यंजन हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि लस्सी। बरसाना यादव समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो शुरुआत से ही गाय पालने के पेशे से जुड़े हुए थे, जिसके कारण यहाँ पर दूध दही से बनने वाली कई सारे व्यंजन देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में से एक है लस्सी, जिसे मिट्टी के कुल्लर में परोसा जाता है, जो मलाईदार दही और सूखे मावे के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ की लस्सी का स्वाद आप कभी भी नहीं भूल सकते। नंबर दो पर है रबड़ी। बरसाना की रबड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। तेज आंच पर दूध को गर्म करके रबड़ी को तैयार किया जाता है और मालपुआ या फिर अकेली भी उसे खा सकते हैं। बरसाना की यात्रा के दौरान रबड़ी का स्वाद जरूर लें। तीसरे नंबर पर आता है पेड़ा। मथुरा का पेड़ा देश भर में प्रसिद्ध है, जो बरसाना में जगह जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पेड़े को प्रसाद के रूप में खरीदा जाता है। यह पेड़े अलग अलग स्वाद के साथ अलग अलग आकार में बेचे जाते हैं। इसके अतिरिक्त समोसा, कचौड़ी, मालपुआ और अन्य कई प्रकार के उत्तर भारतीय भोजन और देश भर में प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बरसाना में मिलते हैं। तो बरसाना जाएं तो इन सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद एक बार जरूर लें। आगे बात करते हैं बरसाना पहुँचे कैसे। तो बरसाने की यात्रा के लिए हवाई मार्ग का चयन करना चाहते हैं तो आप आगरा में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे की टिकट बुक कर सकते हैं। यह हवाई अड्डा बरसाना का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो बरसाना से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप 2 से 3 घंटे के भीतर किसी भी वाहन की मदद से हवाई अड्डे से बरसाना पहुंच सकते हैं। बरसाना मथुरा के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश का यह जिला भारत के विभिन्न राज्यों के सड़क मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो UPRTC द्वारा संचालित बस की यात्रा से भी यहां पहुंच सकते हैं, और यदि आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो लग्जरी बस से यहां की यात्रा कर सकते हैं। यदि बरसाना की यात्रा के लिए आप रेलवे मार्ग का चयन करना चाहते हैं तो बता दें कि बरसाना का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है।
जो मथुरा में है। बरसाना मथुरा के अंतर्गत ही आता है। यह रेलवे स्टेशन बरसाना से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लिए आपको किसी भी शहर से ट्रेन मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग रेलवे मार्ग के जरिए बरसाना पहुँचने के लिए इसी रेलवे स्टेशन की टिकट बुक कराते हैं। अब बात करते हैं बरसाना घूमने जाने का सही समय कौन सा है। तो अप्रैल से जून के महीने में बरसाना में तापमान 30 से 41 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसके कारण इस दौरान यहाँ पर यात्रा करना काफ़ी घुटन भरा हो सकता है। ऐसे में बरसाना घूमने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का होता है। नवंबर से मार्च के दौरान यहाँ का तापमान लगभग 12 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जिससे वातावरण ठंडा और सुखद होता है। यह यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा समय होता है। हालांकि बरसाना एक धार्मिक स्थल है, जिसके कारण साल के हर मौसम यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि बरसाना घूमने का ज़्यादा आनंद राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी या फिर होली के समय में आता है, क्योंकि यह तीनों पर्व वहाँ पर काफ़ी धूमधाम और शानदार शैली से मनाए जाते हैं। अच्छा, बरसाने में रुकने की जगह की बात करें तो बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित है और ये एक छोटा सा गांव है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें यहाँ रुकने की जगह की तो यहाँ पर आपको लिमिट मात्रा में ही होटल्स मिलते हैं, जहाँ पर आप बहुत कम बजट में रूम ले सकते हैं। यहाँ के तकरीबन सभी होटल में रूम का किराया बहुत सस्ता होता है। 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच आपको रूम का किराया यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गेस्ट हाउस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप रात में विश्राम कर सकते हैं। कई जगह पर धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, जहाँ पर आप मुफ्त में भी रह सकते हैं। इससे पहले हमने वृंदावन में रुकने के लिए बहुत कम दामों में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने TFC के बारे में बतलाया था, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, जो कि सरकार द्वारा एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई है पर्यटकों के रुकने के लिए। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें। और लेकिन वह वृंदावन के लिए है, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बरसाने के लिए भी अच्छी धर्मशाला या स्थान रहने के लिए मिलेगा, तो हम अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि बरसाना में रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था कहाँ पर मिल सकती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब बात करते हैं कि बरसाना कितने दिनों के लिए जाएं। बरसाना ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, यह मथुरा ज़िले का एक छोटा सा धार्मिक गांव है। आप बरसाने के सभी पर्यटक स्थलों को 2 दिन में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप होली के दौरान यहाँ पर आते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन रुकना ही चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त यह जगह लठामार होली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उस समय यहाँ पर हर जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अब बात करते हैं बरसाने में घूमने का खर्चा। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि बरसाना बहुत छोटा सा गांव है, जिसके कारण आपको यहाँ ज़्यादा दिन ठहरने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के लिए योजना बनाते हैं तो आप 3,000 से 4,000 रुपये के बजट में बहुत आसानी से बरसाना घूम सकते हैं। यहाँ पर 2 दिन ठहरने का खर्चा अगर हम बात करें तो कम से कम 1,000 रुपये रूम का किराया, इसके अतिरिक्त 1,000 रुपये खाने पीने का खर्चा, 200 रुपये से लेकर 400 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, 200-300 रुपये प्रसाद आदि का खर्चा शामिल है। अब बात करते हैं आपके मन में उठने वाले कुछ क्वेश्चनों की, जैसे कि नंदगांव बरसाने से कितनी दूरी पर है। तो मैं आपको बता दूँ, नंदगांव बरसाने से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या वृंदावन और बरसाना एक है? नहीं, वृंदावन और बरसाना दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों गांव समीप है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था, वहीं बरसाना में राधा रानी का जन्म हुआ था। क्या बरसाना जिला है? नहीं, बरसाना कोई जिला नहीं है। बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित एक धार्मिक जगह है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी का जन्म हुआ था। क्या बरसाने में ख़रीदारी कर सकते हैं? हाँ, बरसाने में सभी मंदिरों के बाहर कई सारे छोटे छोटे स्टॉल और दुकान दिख जाएंगे, जहाँ पर दिया, मोमबत्ती इत्यादि पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें, साथ ही भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ, कपड़े, साड़ी, हस्तशिल्प और हाथ से बुने हुए कई सारे उत्पाद भी बेचे जाते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं।
राधा रानी का मंदिर कहाँ पर है? राधा रानी का मंदिर बरसाने में 250 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। लठामार होली क्यों खेली जाती है? लठामार होली के बारे में मान्यता है कि होली के दिन भगवान श्री कृष्ण बरसाना राधा रानी से मिलने के लिए जाते थे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाले सखा राधा और उनकी सखियों के साथ छेड़खानी करते थे। तब राधा रानी और उनकी सखियाँ हाथों में छड़ी लेकर उनके पीछे मारने के लिए भागती थी। तब से यह बरसाने में लठामार होली खेलने की परंपरा है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के नटखटपन और राधा रानी और गोपियों के साथ उनकी रासलीला के बारे में आपने कई सारी कहानी सुनी होंगी, लेकिन उनकी एक झलक लेने के लिए आप बरसाना जरूर जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी बरसाना के दर्शनीय स्थल, बरसाना में घूमने की जगह, बरसाना के प्रसिद्ध मंदिर और बरसाना कैसे पहुँचें आदि के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आपकी बरसाना की यात्रा को सुगम बनाने में आपकी मदद करेगी। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें कमेंट बहुत कम करते हैं। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कुछ त्रुटि हो या कोई चीज़ रह गई हो तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे और लोग भी बरसाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, इसी तरह की धार्मिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।